हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति तिवारी और आज मैं आप लोगों का शेयर करने वाली हूँ ब्यूटीफुल पोनीटेल हेयर स्टाइल कुर्ती के लिए। अगर आपने कुर्ती डाली हुई है या फिर कोई वेस्टर्न ड्रेस है तो आपको अगर पोनीटेल हेयर स्टाइल चाहिए तो आप ये हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मेरे सेकंड चैनल पे जरूर जाएगा, सेकंड चैनल पे आपको मिलेंगे मेरी ब्लॉग वीडियोस जिस पे मैं अपने डेली रूटीन में क्या करती हूँ, क्या अपडेट रहता है, सब कुछ वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे भी जरूर जाएगा प्रीति तिवारी 2 और इंस्टा आईडी प्रीति तिवारी 24 है, तो वहाँ पे भी जाएगा मेरी रील्स वीडियोज देखने के लिए। तो चलिए जल्दी से हेयर स्टाइल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस तरीके से सेंटर पार्टीशन से मांग निकाल लिया है हमने और यहाँ से इस तरीके से एक लाइन और बनाऊँगी स्ट्रेट। ओके, इसको ऊपर की तरफ कर देंगे, यहाँ से थोड़ा सा हेयर लेंगे और सिंपली इस तरीके से जैसे हम लोग फ्रेंच चोटी बनाते हैं वैसे यहाँ पे घूमते जाना है। दोनों साइड से थोड़े थोड़े हेयर ऐड करते जाएंगे। ध्यान से देखिएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये लाइन स्ट्रेट रहनी चाहिए। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा हेयर लीकेज में ऐड करते जाएंगे। बहुत ही स्टाइलिश हेयर स्टाइल की वीडियोज आपको मेरे चैनल पे मिलेंगी, सेल्फ होगी तो आप खुद से बना सकते हो, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको। इस तरीके से बूट लिया है, चोटी को थोड़ा सा लंबा कर लेंगे जहाँ तक आपको पोनी बनानी है वहाँ तक। ये खुल ना जाए इसके लिए हम लोग इसको टिकटक क्लिप से सिक्योर कर ले रहे हैं। ओ यार, ये देखिए इस तरीके से मैं इसको यहाँ पे सिक्योर कर लेंगे ताकि ये खुले नहीं। अब दूसरी साइड पे आपको इसी तरीके से बनाना है, थोड़ा सा हेयर लेंगे, थ्री पार्ट्स में डिवाइड करेंगे सिंपल, जैसे हम लोग फ्रेंच चोटी बनाते हैं वैसे ही यहाँ पे बनाते जाएंगे। एक लाइन बनाना है, थोड़े थोड़े हेयर ऐड करते जाएंगे दोनों साइड से। जैसे मैं बना रही हूँ वैसे ही आपको भी बनाना है। एक सीधी लाइन लेके जानी है, इस तरीके से बस जहाँ तक आपको अपनी पोनी बनानी है वहीं तक हेयर स्टाइल को बनाना है, ये चोटी को बनाना है, ज़्यादा लंबा नहीं लेके जाना है। बिल्कुल आराम आराम से करिएगा तो ईजिली आप बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस तरीके से गूंथ लेंगे, गूंथने के बाद दोनों चोटियों को सेम आगे की तरफ ले आएंगे, चाहे आप पीछे भी रख सकते हो, सारे हेयर को ऊपर की तरफ कॉम करके लेके जाएंगे। वेस्टर्न ड्रेस के लिए बेस्ट रहेगा एंड कुर्ती वगैरह के लिए भी काफ़ी अच्छा लगेगा ये हेयर स्टाइल। ओके, इस तरीके से कॉम करना है,
और रबड़ बैंड यहाँ पे लगा देना है। काफी अच्छा सा आपका हेयर स्टाइल बन के यहाँ पे रेडी हो जाएगा। इतना करने के बाद से आपको पोनी का थोड़ा सा हेयर लेना है। आई होप कि दिख रहा हूँ। थोड़ा सा सैंपल लेके रबर बैंड को हाइड कर देते सिंपली। नीचे टिक टैक क्लिप से इसको सिक्योर कर देंगे। और ये है ब्यूटीफुल सा पोनी टेल हेयर स्टाइल फॉर वेस्टर्न ड्रेस। एंड कुर्ती पे भी अच्छी लगेगी। अगर आपको अपने बालों को पोनी नहीं बना के रखना है, आपको बन बनाना है, तो आप बन भी बना सकते हो। पोनी पोनी का लुक कुछ इस तरीके का आएगा। एंड अगर बन बनाना है तो हमने जो ये रबर बैंड को हाइड किया था, इसको ओपन कर लेंगे। एंड सिंपली ट्विस्ट करेंगे बालों को इस तरीके से। लूज ही रखना है, ज़्यादा टाइट नहीं रखना है। एंड एक क्लचर पिन की मदद से सेंटर में क्लचर को ऐड कर देंगे। यहाँ पे आपको लगे तो एक यूपी ऐड कर दीजिएगा। और ये हमारा बन बन के रेडी हो गया। अगर आप डेली वेयर में आपको पूरी बार बता नहीं है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। ये भी काफ़ी अच्छा और अट्रैक्टिव लगेगा आपका हेयर स्टाइल। और काफ़ी इजी है, तो आप इसको बहुत ही आसानी से बना सकते हो। थोड़ा थोड़ा हेयर को इस तरीके से खींच लेंगे, जो कि जैसे हमारा बन हो तो काफ़ी अच्छा दिखे, ऐसा ना लगे कि बाल पतले हल्के या फिर छोटे हैं। और पिन यू पिन ऐड कर दीजिएगा। तो एक क्लचर की मदद से आप इस तरीके से बन बना सकते हो। और ये वाला जो हेयर स्टाइल है, आप इसको वेस्टर्न ड्रेस के साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो कैसा लग रहा है आपको आज का हेयर स्टाइल, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी इस तरीके की हेयर स्टाइल की इजी ट्यूटोरियल, हेयर स्टाइल ट्यूटोरियल्स की वीडियोस देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ आ रही हैं, रिंकल्स आ रहे हैं, तो आप वैसलिन जो होती है पेट्रोलियम जेली, उसको आप अपने फेस पे नाइट क्रीम के तौर पे यूज कीजिए। ड्राई स्किन वालों के लिए बता दूँ, ऑयली स्किन वाले बिल्कुल भी ना करें, सिर्फ ड्राई स्किन वालों को करना है। वैसलिन को अपनी स्किन पे एज ए नाइट क्रीम के तौर पे यूज कीजिए। आपके रिंकल्स, झाइयाँ, डार्क स्पॉट्स धीरे धीरे रिमूव होने लग जाएंगे। आपका स्किन काफ़ी अच्छा ग्लो करने लग जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट हेयर स्टाइल के साथ, नेक्स्ट ब्यूटी टिप्स के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए। बाय बाय।